ये मर्यादा ही थी कि प्रभु श्री राम ने हर किसी का आदर किया, सत्कार किया। उसने बस इसी आस में अपना देह त्याग दिया कि हाँ, प्रभु श्री राम टेंट में से महल में जाएंगे, उन्हें भी घर मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, सीधे तौर पर ये बात कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मन में बातें दबी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओबीसी जाति से आते हैं, कैसे वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, कैसे वो वहां पर बैठ सकते हैं। सब मिलजुल कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल क्यों नहीं हो सकते। जय श्री राम। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त जय श्री राम के जयकारों से पूरा देश गूंजमान है। एक तरफ तो पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजमान है, तो दूसरी तरफ देश में राजनीति भी बखूबी हो रही है। हर एक नया दिन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे राजनीति भी लगातार बढ़ रही है। कुछ पत्रकार, देखिए इस वक्त देश में दो तरीके के पत्रकार बटे हुए हैं। अब जो लेफ्ट के पत्रकार हैं वो दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया वाले दूसरे पत्रकारों को लेफ्ट के पत्रकार कहते हैं। अब दोनों के बीच वर्सेस चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है सोमनाथ टूलकिट से आगे बढ़ रही है, कुछ ये कह रहे हैं कि लेफ्ट जो पत्रकार है वो राम मंदिर के बनने से खुश नहीं है। तो आज भारत एट नाइन में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर बात करेंगे। मर्यादा क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखें। पिता ने भगवान राम की दूसरी माँ, जो आज की भाषा में कहें तो सौतेली माँ कैकेयी को दुर्वचन लेने का अधिकार दिया था, तो माँ कैकेयी ने मौके का फायदा उठाकर दुर्वचन मांग लिए। पहले वचन में उनके बेटे भरत को राजगद्दी अयोध्या की, और दूसरे वचन में भगवान राम को 14 साल का वनवास। और ये मर्यादा ही है कि प्रभु श्री राम ने न पूछा न सोचा, बस अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता के आज्ञा ली और फिर निकल गए वनवास के लिए। वो मर्यादा ही थी कि पराई स्त्री पर उन्होंने नजर उठा के भी कभी नहीं देखी, हमेशा पराई स्त्री को माता स्वरूप, देवी स्वरूप ही माना। वो मर्यादा ही थी कि लंका दहन के बाद रावण का वध करने के बाद वहां पर विभीषण को उत्तराधिकारी बनाया और वहां के लोगों को सांत्वना ढांढस बंधाया। वो मर्यादा ही थी कि वहां पर उन्हें एहसास हुआ कि एक रावण ने जो गलत किया उसकी सजा तो रावण को मिल गई, लेकिन ब्रह्म हत्या भी तो उसका पाप लगा है प्रभु श्री राम को, क्योंकि रावण था तो बड़ा ब्राह्मण ज्ञानी, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के लिए प्रायश्चित भी किया। मर्यादा ही थी कि अयोध्या में राजगद्दी संभालने के बाद, सिंहासन संभालने के बाद जब मिथ्या दोष माता सीता पर लगाया गया, तो मर्यादा ही थी कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया। हालांकि माता सीता के लिए उनका प्रेम कम नहीं हुआ, जितना माता सीता को तकलीफ वनवास के दौरान हुई उतनी ही तकलीफ प्रभु श्री राम को भी होती थी। जिस तरह से माता सीता वन में रहती थी उसी तरह प्रभु श्री राम महल में होने के बाद भी रहती थी। ये मर्यादा ही थी, ये मर्यादा ही थी कि प्रभु श्री राम ने हर किसी का आदर किया, सत्कार किया। लेकिन आज 500 साल बाद जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम वापस अपने घर में, अपने महल में लौट रहे हैं, तो क्या हम मर्यादा भूल जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि हम जिस प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, हम जिस प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है? क्या हम ये भूल गए? राजनीति में अब इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 1951 का जिक्र किया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर में भी ऐसा ही हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी लेकिन मंदिर का निर्माण बाद में हुआ था, कुछ पत्रकार इसका जिक्र करते हैं। हालांकि कांग्रेस पर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कोई भी शंकराचार्य को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। चार शंकराचार्य, चारों ने ही जाने से मना कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा में,
क्योंकि उनका कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन कुछ संतों की माने, कुछ महाविद्यालयों की माने, कुछ ऐसे आचार्य भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जहां पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां का काम पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सवाल उठाया क्यों जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए अधूरे मंदिर की, ये पाप है, हम इसके पाप के भागीदारी नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आचार्य गलत है या आचार्य अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। आचार्यों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आचार्यों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग, कुछ पत्रकार उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, देव दिवाली मनाई जाएगी, साथ ही साथ दिए जलाए जाएंगे, अयोध्या में उत्सव होगा, देश भर में भगवान राम की स्थापना के साथ साथ हर मंदिर में भगवान राम को पूजा जाएगा, तो देश कहीं ना कहीं एक सिरे से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस युद्ध में, युद्ध ही कहा जाएगा जो 500 साल तक चला, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, प्राणों की आहुति दे दी। कुछ लोग बस इसी आस में अपना देह त्याग दिया कि हाँ प्रभु श्री राम टेंट में से महल में जाएंगे, उन्हें भी घर मिलेगा। हर बात का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री अगर लाभार्थियों का तुलना भगवान राम से कर देते हैं उसका भी जिक्र हो रहा है, उधर सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र हो रहा है। मैं बात यहाँ गोदी मीडिया और लेफ्ट मीडिया दोनों की कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हर चीज में मोदी को टारगेट क्यों? अब आप समझिए, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या हम आज भी, क्योंकि हमारे देश में देखिए जितने धर्म हैं उतनी ही जातियां भी हैं, और सनातन में जितनी जातियां हैं उसमें अपने अपने मकसद हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं, तो क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि अब गौर करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं, तो क्या यही वजह है कि शंकराचार्य के मन में ये है कि एक ओबीसी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या उनके मन में दबे स्वर में ये चीजें हैं? क्या ऐसे पत्रकार जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, जो जाति से ब्राह्मण है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करें प्राण प्रतिष्ठा? क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं, इसमें भी जातिवाद है, भगवान राम ने तो कभी नहीं किया था। प्रभु श्री राम के तो मित्र आपको पता है ना कौन थे? निषादराज जी। निषादराज जी का भी मंदिर बन रहा है, सबरी के झूठे बेर खाए थे। आप समझिए, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? गलत तरीके से गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में अगर मैं 2024 में हम जी रहे हैं, 2024 की हम बात करें, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अब ये जात पात सब बहुत पीछे छूट गया होगा। अब वो सिर्फ इंसान के एजुकेशन के हिसाब से आगे सारी चीजें करते होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूं कि आज भी बहुत सारे सवर्ण जातियों के लोग हैं जो अंदर खाने जात पात सोचते हैं। ये है, देखिए यहां एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने एनालिस की है, जो चीजें हमने देख रहे हैं लगातार, उसके बिहाफ पे मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप बिल्कुल कमेंट करके, अगर आप इसे एग्री नहीं करते तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अपने विचार रखने का अधिकार है, आप अपने विचार रख सकते हैं। आज भी अगर किसी ब्राह्मण परिवार में अरेंज मैरिज होती है तो ब्राह्मण ब्राह्मण को ही चुनेगा। हाँ, 1% अगर वो शादी, लव मैरिज अगर हम कहें, तो हो सकता है कि किसी और जात में शादी हो जाए, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी आईएएस पद का कोई अधिकारी है तब कोई परेशानी नहीं होती, कुछ ऐसा भी होता है, तब वो ये होता है कि नहीं हम तो उस चीज से बाहर निकल चुके हैं। ये सारी चीजें हैं आज भी देश में हैं।
आज भी ओबीसियों को शूद्र माना जाता है और शूद्रों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी राम मंदिर का जो निमंत्रण भेजा गया है, इसमें बहुत सारे आदिवासी भी हैं, सवर्ण लोग भी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उद्योगपति हैं, शूद्र भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन उन्हें क्यों एक तमका बनाया गया है कि वो शूद्र हैं? उन्हें क्यों तमका बनाया गया है कि वो दलित है, क्यों वो ओबीसी है? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, सीधे तौर पर ये बात कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मन में बातें दबी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ओबीसी जाति से आते हैं, कैसे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, कैसे वो वहां पे बैठ सकते हैं। अब ये भी डर है कि प्रधानमंत्री वहां है तो लाइमलाइट तो प्रधानमंत्री लूट जाएंगे, ये भी डर है, कहीं ना कहीं डर है। ये एक अलग पहलू है, एक अलग आईना है जो दिख रहा है। हर मुद्दे पर बात हो रही है तो इस पर क्यों नहीं? चारों मठों के शंकराचार्य मना कर रहे हैं जाने से, रीजन अलग अलग हो सकते हैं, और कुछ का ये भी कहना है कि हमें निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि कुछ वीडियोस में देख के आई हूँ कुछ पत्रकारों की, जो लेफ्ट के पत्रकार अपने आप को बताते तो नहीं है लेकिन दिखता तो यही है कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। निमंत्रण आता तो वो जरूर जाते, चलिए ये भी मान लीजिए कि निमंत्रण नहीं भेजा गया होगा, लेकिन अगर दिया गया होता तो क्या वो जाते, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ से सियासत कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। अब देखिए, राम नाम जपना है लेकिन कौन अपना है ये हमें चुनना है तो ऐसा नहीं होता। भगवान राम ने सबको चुना था, भगवान राम ने ब्राह्मणों को भी चुना था, भगवान राम ने क्षत्रियों को भी चुना था, भगवान राम ने वैश्यों को भी चुना था, भगवान राम ने शूद्रों को भी गले लगाया था। और जब भगवान राम जा रहे थे पृथ्वीलोक से, तब भगवान राम ने यही कहा था कि हर कोई ब्रह्मा का पुत्र है, ब्रह्मा का वंशज है, तो फिर जात पात कहां से आ गया? और अब प्राण प्रतिष्ठा में भी इस चीज को निकालने की कोशिश हो रही है कि ओबीसी हैं तो इस वजह से वो, अब देखिए सामने से नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि सामने से आप नहीं बोल सकते, लेकिन मन में जो चीजें चल रही हैं वो थोड़ा समझ में आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरह सही है, लेकिन एक विचार जो जहन में लोगों के उठ रहा है, जिस तरह की मैंने तस्वीरें देखी, जिस तरह के वीडियोज हमने खंगाले हैं, उसके आधार पर मैं अपनी बात रख रही हूँ। और देखिए, कुछ फिल्में भी आई थी और भगवान को किस तरीके से दिखाया गया था, इस पर बहुत बॉयकॉट हुआ था। अब वहाँ तो बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ बॉयकॉट नहीं करेंगे जब राजनीति इतनी नीचे तबके की हो रही है? यहाँ भी तो बॉयकॉट करिए ना, इतना बड़ा दिन है, शुभ दिन है, सब मिलजुल कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल क्यों नहीं हो सकते? क्या ब्राह्मण, क्या आप क्षत्रिय, और क्या शूद्र, और क्या वैश्य, सब इंसान हैं और सबका पूरा हक है भगवान राम पर, किसी एक का नहीं है। और जो कह रहे हैं कि बीजेपी का हक है कि भगवान राम पे, या बीजेपी का हक नहीं है हमारा, तो किसी का हक नहीं है, प्रभु श्री राम पूरे देश के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, और जो विदेशों में जाकर बस चुके हैं लोग उनके भी हैं, और जो विदेशों में रहकर जो हमारे हिंदुस्तान के नहीं भी है, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम उनके भी हैं। भगवान राम भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे नाम पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? एक तरफ तो मेरे नाम को लेकर जश्न मनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मेरे ही नाम पर राजनीति, वोटों को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारी बातें इसमें निकल रही हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर जरूर हुए होंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये कि हाँ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन जो फैक्ट थे, जो हमने एनालिसिस की चीज़ें, जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो वीडियोज़ हमारे सामने आए, वो हमने देखे, पढ़े, सुने, तब जाकर ये बातें मैंने रखी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्री करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने विचार ज़रूर रखिएगा, अच्छे बुरे जैसे भी हो विचार रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।